और आज बड़ी दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में जो आतंक का माहौल और जो एक डर और हिंसा का माहौल का तैनात किया गया है पिछले कई वर्षों में, टीएमसी के राज में, मुख्यमंत्री के राज में, जहां मासूम महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं लेकिन उनका खून किया जाता है और कोई एक्शन नहीं, पूरी तरह से फरेब करके लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। आज पश्चिम बंगाल में ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम इंसान सुरक्षित है। और मेरी यही आशा और अभिलाषा है कि जो सर्वोत्तम न्यायालय ने कदम उठाया है उनके परिजनों को न्याय मिल पाए। जो ढोंग रचा जा रहा है विधानसभा में अपरिजिता विधेयक पारित करके, नियम और कानून दिखाते हुए, जब स्वयं पश्चिम बंगाल में मेरी मातृशक्ति की रक्षा एक महिला मुख्यमंत्री नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे सरकार का औचित्य क्या है? ये प्रश्न एक एक व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क में है।